इतने दिन हो गया कि पैसा क्यों नहीं देते हो? मुझ में बची अब जान नहीं है, साथ मेरे भगवान नहीं है, जीना क्यों आसान नहीं है, किसी के बेटे को बनना क्यों किसान नहीं है। इंटरेस्टिंग नहीं है, सुनो मेरी कहानी, घर ज्यादा चिल्लाओ कहोगे नादानी, खेतों में बिताई है पूरी जवानी, हूँ धरती का बेटा फसल मेरी रानी, मेहनत करूँ पूरी पर कमा नहीं मैं पाता हूँ, जो भी आती है कमाई उससे कर्जे चुकाता हूँ, मौसम से लड़ा हर बार हार जाता हूँ, कहते अन्नदाता खुद खा भी नहीं पाता हूँ, खासा नहीं आता मैं ढेले पर जाता है, सूखा आता ये शोले बरसाता है, फसल होता है तो फ्योले पर जाता है, मॉडर्न ये दुनिया हम भोले पर जाते हैं, रात रखवाली में हमने बिताई, खुले खेत में हुसोया लगा के खटाई, सब्जी लगाता खुद प्याज रोटी खाई, समझ नहीं आता क्यों नहीं होती है कमाई, पिछली फसल का भी रुपया चुकाना है, बेटी बरी उसका ना कराना है, किसान न बने बेटा उसको पढ़ाना, सारा पैसे नहीं है खुद भी तो खाना है, क्या करेंगे, गर्मी का समय है। सेठ जी गेहूँ केना लै छियै? गेहूँ 10 रुपए किलो, कल बहुत सस्ता है, महंगा कीजिए। सस्ता नहीं है, बहुत गेहूँ हुआ है, पूरा देखिए गेहूँ से पूरा पूरा दुनिया पड़ा हुआ है, कम से कम 15 का गेहूँ। 15 कैसे होगा, हमारे पास गेहूँ कमी नहीं है, हमारे पास 45 रुपए गेहूँ आ रहा है, केजी देना है दीजिए, जितना भी है नहीं है तो अब आगे देखिए, बहुत सारा दुकान है, देना है वही रेट, ठीक है चला 10 रुपए केजी के हिसाब से, जितना भी गेहूँ इनका लिखवा लो। फसल जब अच्छी हो फिर भी है प्रॉब्लम, हो जाते हैं फसलों के दाम कई गुना कम, तुम MSP इतना चिल्लाते हो तो कभी चिल्लियों को है बेचते हम, अरे छोड़ो ये झंझट बस इतना बताना, क्यों हमको है भूला ये मीडिया घराना, किसानों का देश तुम कहते हो ना बेटा, फिर क्यों पड़ता है हमको तब दिल्ली तक जाना। किसान भाइयों, जिन लोगों का फसल मौसम के कारण बर्बाद हुआ है, उनका मुआवजा हम दिलवाएंगे। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसके पास है, कर्ज माफी सालों जब तक तो जाओ नहीं है ये काफी, भगवान भी जो बैठा ऊपर करता ना इंसाफी, और मॉनसून भी कर देता वादा खिलाफी, सादा है जीवन स्टेटस से प्यार नहीं, ट्रैक्टर चलाता हूँ मेरे पास कार नहीं, मंदी ने लूटा है मौसम की मार, सही रोज किस्मत से लड़ता हूँ पबजी का वार नहीं। जी के बोलने से कुछ नहीं होगा, इस पेपर में बहुत सारा आपका अभी कमी है, जो कि हम बोले थे कि सबको थोड़ा सा पूरा करके लेके आइएगा, ठीक है ना, तभी जा करके हम कुछ कर पाएंगे, तो अभी कुछ नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। कोई रास्ता बताइए कैसे मिलेगा? रास्ता तो हम आपको बता ही दिए हुए थे, पहले आपने मेरा बात सुना नहीं सुना ना, तभी जा करके ये पेपर को पहले कम्प्लीट करा करके आइए, थोड़ा मोरा ध्यान हम लोग पर भी देते रहिएगा, उसके बाद ही ना फाइल आगे बढ़ता है। मांग रहे हैं, सर जी भी मांग रहे हैं, हम तो आपको ऑफिस में तो हम नहीं कहे कि हमको पैसा चाहिए, आप जाइए पेपर कंप्लीट करके आइए, उसके बाद देखेंगे, नहीं ठीक है हम चलते हैं। निराई गुराई ट्रैक्टर से जुताई, महीनों तक की फिर ट्यूबवेल से सिंचाई, है मेहनत बहुत पर नहीं है कमाई, साला बीज के भी दम की नहीं है होती भरपाई, सपने सारे टूट गए नहीं जिंदा रहना चाहता हूँ, घर है गिरवी बर्तन है खाली, फट कपड़ों से खुद को छुपाता हूँ, बाहर है महाजन बैठा निकलने से घबराता हूँ, अंदर से तो कब का मर गया फांसी पे चढ़ जाता हूँ। जब घर में फसल थी क्यों इंपोर्ट करवाया, उपज आई अच्छी थी फिर भी मरवाया, मुनाफे का सोचा बस लोन भर पाया, जो भी थोड़ा बचा वो बिचौलियों ने खाया, बाढ़ और सूखे ने बहुत तड़पाया, इस बार बीज तक भी मैं बो नहीं पाया, खाद का भी खर्चा अलग से लगाया, आमदनी है नल और खर्चा रुपया, पर रहता बढ़ रही महंगाई है, डिमांड बढ़ा और सही सप्लाई है, मुनाफा तो मुझको भी मिलना चाहिए था ना, फिर क्यों फसल पिछले दाम पे लगाई है, कोई सुनता नहीं जब दुखड़ा सुनाता हूँ, जिम्मेदारी है खुद के मैं रो भी नहीं पाता हूँ, किस्ते चुकाने में उम्र ये गुजारी, जब मेहनत की इज्जत से रहना भी चाहता हूँ, जब मेहनत की चिल्लत में सहना नहीं चाहता, जब मेहनत की उसकी मैं रहमत भी चाहता हूँ, बोला ना इज्जत से रहना मैं चाहता हूँ, इज्जत से इज्जत से इज्जत से इज्जत से, बोला ना बोला ना बोला ना बोला ना इज्जत से मैं तो रहना भी चाहता हूँ।